सितंबर 2020 अतिथि शिक्षकों ने शिक्षक दिवस को काला दिवस मनाकर गिरफ्तारियां दी। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश के आह्वान पर अतिथि शिक्षक परिवार मंडला ने जिला कलेक्ट्रेट के पास सभा कर शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया और गिरफ्तारी दी। कलेक्ट्रेट के पास आम सभा कर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंच मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। संगठन के मंडला जिला अध्यक्ष पीडी खैरार ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के आदेश उपचुनाव आचार संहिता लागू करने के पहले आदेश और सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के सरकारी फरमान को तत्काल वापस लिए जाने को लेकर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। उसी तर्ज पर मंडला जिला अतिथि शिक्षक परिवार भी दोपहर 12 बजे सभा धरना प्रदर्शन कर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विशाल रैली के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी के साथ सरकार की नीतियों को कोसते रहे। ज्ञापन स्थल पर तैनात पुलिस प्रशासन को गिरफ्तारी देते हुए मांग की गई कि सरकार नियमित रोजगार दे नहीं सकती तो हमें जेलों में डालकर हमारे परिवार का पालन पोषण किया जाए। देखिए आज की आवाज़ न्यूज़ के साथ मंडला से अजय सिंह रौड़े की रिपोर्ट।